जय हिंद फ्रेंड्स। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ पार्ट नंबर थर्ड। किस चीज़ का पार्ट नंबर थर्ड? इसी जिसी पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर थर्ड। सो बेसिकली पार्ट नंबर थर्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे 14th मार्च 2021 को जो हमारे पेपर हुए थे, तीन शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, उसका जो आज थर्ड शिफ्ट का आज हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में जो आपके कंप्यूटर सेक्शन के जो क्वेश्चन आए थे हम लोग उसको पढ़ेंगे। देखिए पार्ट थर्ड का मतलब क्या है कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जो लोग पार्ट थर्ड को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जाकर के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को भी जरूर से देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोगों ने क्या बताया है, उसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर हुए थे 14th मार्च को ही सेम डे पर जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर हुए थे उनके बारे में हम लोगों ने आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या बताया कि उसमें जो भी कंप्यूटर सेक्शन से बेसिकली क्वेश्चन आए हुए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में उसको पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट थर्ड यानी कि शिफ्ट थर्ड में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उसके हम लोग क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इस चैनल को भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हो इस चैनल के, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इसी जीसी पीओ की हम लोग एक 100% फुल गारंटी के साथ प्रिपरेशन करा रहे हैं। और इसमें हम लोगों का ये प्रॉमिस है कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कवर अप कराएंगे वही आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन सब ऑन करके रखिए ताकि जो भी हमारी नई अपडेट आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवांश आपका, आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे सिर्फ सबसे पहले पूछ लिया फुल फॉर्म यानी कि FDD स्टैंड्स फॉर, FDD का मतलब है, FDD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ए फ्लॉपी डिस्क डायरेक्टर, फ्लॉपी ड्राइव डायरेक्टर, ऑप्शन बी फ्लॉपी ड्राइव डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी फ्लॉपी डीमॉड्यूलेटर डिस्क, या फिर ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑलरेडी हाईलाइटेड है यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD का फुल फॉर्म बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, स्टीफन विलहाइट वन ऑफ द लीड इन्वेस्टर्स ऑफ द GIF डाइड रिसेंटली, हियर GIF स्टैंड्स फॉर, यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि स्टीफन विलहाइट जो कि एक लीड इन्वेस्टर थे किसके लिए, GIF के लिए। ठीक है, उनकी अभी हाल में ही मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमें कई चीजें सीखने को मिलने वाली हैं, ध्यान से देखिएगा। उनकी हाल में ही मृत्यु हो गई है और हियर GIF स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर जो GIF है उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए ग्राफिक इंटरचेंजेबल फाइल, ऑप्शन बी ग्राफिक इंटरनेट फाइल, ऑप्शन सी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली अब यहां पर देखो सीखने को क्या क्या मिला। सबसे पहले तो GIF किसके द्वारा बनाया गया हुआ है, स्टीफन विलहाइट के द्वारा, ये चीज हमको एकदम याद हो गई, अच्छे से एकदम याद कर लेंगे। उसके बाद क्या पता चला, GIF का फुल फॉर्म यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, फुल फॉर्म कई बार पूछे गए, दैट मींस कि फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसी सीरीज का, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको फुल फॉर्म्स कुछ बताए हैं वो भी बहुत मेजर है, उनको भी जरूर से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर उसके बाद देखो ऑल्सो करके मैंने बताया है स्टीफन विलहाइट के बारे में कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे बॉर्न कब हुए, 3rd मार्च 1948। ठीक है, और कहां पर, वेस्ट चेस्टर टाउनशिप यूनाइटेड स्टेट्स। और इनकी डेथ कब हुई, 14th मार्च 2022 को, और कहां पर, यूनाइटेड स्टेट सिंसिमैटी ओहियो। ठीक है, नेशनैलिटी क्या थी, अमेरिकन, ऑब्वियसली बात है यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। और इन अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, वेबी लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि WLA वेबी लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, उसके बाद नोन फॉर GIF, किसके लिए जाने जाते हैं ये, GIF के लिए जाने जाते हैं। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। अब देखो फायरवॉल का उपयोग किससे बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी जो फायरवॉल होता है तो फायरवॉल का यूज हम लोग किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी डेटा ड्राइवन अटैक, या फिर ऑप्शन डी अनऑथराइज्ड अटैक। देखो हम लोग इसका यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी अनऑथराइज्ड अटैक के लिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अगर ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम पर ये एक फायरवॉल है। ठीक है, फायरवॉल हमारे सिस्टम के लिए ऐसे ही प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, और ये हमको किससे बचाती है, अनऑथराइज्ड अटैक से। अब अनऑथराइज्ड अटैक्स
बहुत तरीके के हो सकते हैं। इट मे बी स्पैम, इट मे बी एन अनवांटेड ईमेल, ठीक है, इट मे बी मैलवेयर, इट मे बी अनवांटेड सॉफ्टवेयर विच गेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड इन अवर सिस्टम, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो कि हमारे सिस्टम पर अनऑथोराइज होती हैं, ये हम चाहते नहीं है बट इवेंचुअली ये इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इन सब सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, फायर वॉल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, आफ्टर यूजर हैज सेव्ड एंड डिलीटेड मेनी फाइल्स, मेनी स्कैटर्ड एरियाज ऑफ स्टोर्ड डेटा रिमेन दैट आर टू स्मॉल टू बी यूज्ड एफिशिएंसी कॉजिंग, यानी कि उपयोगकर्ता द्वारा कई फाइलों को सहेजने और हटाने के बाद संग्रहित डेटा के कई बिखरे हुए क्षेत्र रह जाते हैं जो उपयोग की जाने वाली दक्षता के लिए बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण अब देखो होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई अपने सिस्टम पर फाइल डिलीट कर दिए, ठीक है, सिस्टम से फाइल हमने डिलीट कर दी, तो होता क्या है उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट हमारे जो स्टोरेज डिस्क होती है उसमें वो फैल जाते हैं, ठीक है, स्कैटर हो जाते हैं, देखो लिखा है ना स्कैटर्ड, ठीक है, तो वहां पर वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, और स्कैटर्ड हो जाने की वजह से क्या हो जाता है वो हमारे डिस्क पर सेव रह जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उनको एफिशिएंटली यूज भी नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए एकदम डिसएडवांटेजेस होते हैं और कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी कॉज कर देते हैं, ठीक है, और वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उन्हें यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉज चीजें करते हैं, कॉजिंग क्या है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, ऑप्शन ए टर्मोइल, ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट कर देते हैं बेसिकली ये चीजों को, ठीक है। और देखो जब हम भी जब कभी भी हम ये फाइल डिलीट करते हैं तो वहां पर दो तरीके से डिस्क में चीजें स्कैटर होती हैं, इट मे बी आदर फ्रेगमेंटेड और डिफ्रेगमेंटेड, ठीक है। फ्रेगमेंटेड का मतलब ये देखो ये क्या है, अलग 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 जगहों पर है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर ये जो हमारी फाइल थी जिसको हमने डिलीट किया है वो सेव है। और डिफ्रेगमेंटेड क्या है, डिफ्रेगमेंटेड में देखोगे तो ये एडजेसेंट है, ये पूरा का पूरा है अलग अलग ही, लेकिन क्या है ये एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट इसके बारे में डीप नॉलेज मैंने अपनी एक स्टोरेज यूनिट के वीडियो में पूरी की पूरी दे रखी है, ना देखी हो वीडियो आपने तो जाकर के प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है हमसे, अ मॉडम इज कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि एक मॉडम है जो कि टेलीफोन लाइन एंड अ डैश, यानी कि एक टेलीफोन लाइन और एक डैश के बीच कनेक्टेड होता है। तो वो डैश क्या होता है ये हम लोगों को बताना है, यानी हिंदी में पढ़ें इसको, एक मॉडम एक टेलीफोन लाइन और एक डैश के बीच जुड़ा होता है, यानी कि एक मॉडम जो होता है वो टेलीफोन लाइन और एक डैश के बीच जुड़ा होता है। तो डैश क्या होता है, यानी कि टेलीफोन लाइन और किसके बीच ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी सीरियल पोर्ट, ऑप्शन सी नेटवर्क, या फिर ऑप्शन डी कम्युनिकेशन एडाप्टर। तो ऑब्वियस ही बात है भाई कि ये किसके बीच जुड़ा होता है, कम्युनिकेशन किसके किसके बीच करा रहा होता है, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको किसको, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। और उसके बाद देखो एक मैंने फुल फॉर्म भी बताया हुआ है मॉडम का, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, एमओ और आपका DEM, यहां से मॉडम बन जाता है, और इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। अगर मॉडम का फुल फॉर्म पूछ रहा है कोई तो हम लोग उसको क्या बताएंगे, पूरा का पूरा बताएंगे, यानी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये मॉडम का पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद देखो जैसे कि एमओ मॉडम का मो यहां से लिया हुआ और डेम यहां से लिया, मॉडम हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ्स एंड लेंथ्स दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज, ठीक है, यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे बार्स होते हैं जो कि हमारे जो जो भी हम लोग बाहर से अगर कभी सामान लोग खरीदते हैं तो उसमें देखते होंगे कि पीछे ऐसा सा कुछ बना रहता है, ठीक है। तो जो ये बना रहता है इसी से हमसे पूछा गया है कि ये अलग अलग लेंथ और अलग अलग विड्थ का होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते क्या है बेसिकली, और ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रीडेबल होता है, ठीक है। अलग अलग लेंथ और अलग अलग विड्थ का मतलब देखो, इसकी लेंथ और देखो इसकी लेंथ, देखो दोनों की लेंथ अलग अलग है, उसके बाद देखो इसकी ब्रेड इसकी विड्थ देखो और इसकी विड्थ देखो, ठीक है, तो दोनों की विड्थ भी अलग अलग है, ठीक है। तो बेसिकली यही पूछ रहा है हमसे कि ये जो बना हुआ है इतना बड़ा सा जो ये बना हुआ है चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जो कि ये कंप्यूटर रीडेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए NASCII कोड, ऑप्शन बी NOCR कोड, ऑप्शन सी बार कोड, या फिर ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल लाइफ से रिलेटेड है, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि ये क्या होता है, एक बारकोड होता है। इस बारकोड में जिस भी प्रोडक्ट के पीछे वो बना हुआ है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरिंग डेट और वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसी बारकोड में छिपी होती है, बट इसकी एक कंडीशन है कि ये क्या होता है, कंप्यूटर रीडेबल होता है, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ कौन रीड कर सकता है, कंप्यूटर रीड कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट ऑप्शन कम्स अंडर विच टैब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, यानी कि भाषा और अनुवाद विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। ठीक है, यानी हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारा लैंग्वेज और ट्रांसलेट ऑप्शन है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के किस टैब के अंडर में आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी MS PPT, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के किस टैब के अंडर में लैंग्वेज और ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है। ठीक, ऑप्शन ए रिव्यू, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी डिजाइन, या फिर ऑप्शन डी एक्रोबैट। ठीक है, किस ऑप्शन के अंडर में आता है ये, किस टैब के अंडर में आता है, ऑप्शन ए रिव्यू टैब के अंडर में आता है। कौन सा ऑप्शन, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट ऑप्शन। ठीक है, किस टैब के अंडर में, फिर से बता रहा हूँ, रिव्यू टैब के अंडर में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो एट्थ क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। सिस्टम कंपोनेंट इज कॉल्ड इट्स मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डिजिटल डेटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज आउटपुट। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसको हिंदी में एक बार पढ़ लिया जाए। सिस्टम घटक कहा जाता है एक बहुउद्देशीय प्रोग्राम करने योग्य उपकरण है जो डिजिटल डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है अब और इसे अपनी मेमोरी में संग्रहित निर्देशों के अनुसार संसाधित करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदान करता है। यानी कि इसको अगर समझा जाए एक बार में, तो ये हमसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम कंपोनेंट है जो कि मल्टीपर्पज है, ध्यान से देखना, जो कि क्या है, एक मल्टीपर्पज है, प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कि डिजिटल डेटा को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसके बाद इसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो कि इसकी मेमोरी में स्टोर होते हैं, यानी उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो कि इसकी मेमोरी में स्टोर है, और फिर हमको रिजल्ट देता है एज आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा था। तो ऑप्शन ए कैच, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो क्या होता है ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है ये, माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज डिवाइस है जो कि डिजिटल डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसको इंस्ट्रक्शंस जो कि उसकी मेमोरी में सेव होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है और फिर हमको आउटपुट देता है रिजल्ट के रूप में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, टेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेंथ, ये लगता है मेरे से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये टेंथ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ टेक्निक फॉर इंटरसेप्टिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर संचार को बाधित करने की तकनीक को संदर्भित करता है। देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि इंटरसेप्टिंग करता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन को। इंटरसेप्टिंग करना मतलब कि बाधित करना, उसको रोकना, ठीक है, बाधित करना। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक होती है बाधित करने की, इंटरसेप्ट करने की, कौन सी टेक्निक होती है कंप्यूटर कम्युनिकेशन को। ठीक है, ऑप्शन ए स्निफिंग, ऑप्शन बी स्पूलिंग, ऑप्शन सी हैकिंग, या फिर ऑप्शन डी फिशिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्निफिंग। स्निफिंग एक ऐसी ट्रिक होती है जिससे हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन को। ठीक है, अब देखो स्निफिंग को अगर समझना है तो देखो एक ये आप लोग के लिए एक डायग्राम भी है जिससे कि देखो ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है। अब ये दोनों नेटवर्क जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक स्निफिंग हो रही है बीच में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्निफिंग कर रहा है, और स्निफिंग जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्निफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्निफर बोलते हैं। और ये स्निफर क्या कर रहा है, इन दोनों कम्युनिकेशन मतलब ये दोनों जो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको ये स्निफ करने का काम कर रहा है, इंटरसेप्ट करने का काम कर रहा है। अब ये जो इंटरसेप्टिंग है, ये जो बाधित कर रहा है, इट मे बी फॉर इट्स पर्सनल यूज, हो सकता है किसी पर्सनल यूज से कर रहा हो। ठीक है, और या तो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि एक आपकी हो सकता है सीक्रेट हो, जो आपकी एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो, उसको लीक करने के लिए भी कर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्निफिंग कहा गया इसको। स्निफिंग का मतलब इंटरसेप्टिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ठीक है, और स्निफिंग जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्निफर बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने आज के नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड लेआउट्स थीम इफेक्ट्स बैकग्राउंड स्टाइल्स एंड इवन कॉन्टेंट्स फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। यानी कि हिंदी में इसको पढ़ा जाए, एक फाइल जिसमें तैयार किए गए लेआउट
थीम प्रभाव, पृष्ठभूमि शैली और यहाँ तक कि प्रस्तुति के लिए सामग्री भी शामिल है, डैश कहलाती है। यानी कि एक ऐसी कौन सी फाइल है जिसमें कि हमारे पास हमारी एक कोई भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए सारी की सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि क्या क्या लेआउट, थीम इफेक्ट, बैकग्राउंड स्टाइल और यहाँ तक कि कंटेंट्स जो कि हमारे प्रेजेंटेशन पे होने चाहिए, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक जगह पर अगर हमें एक ही वर्ड में बोलना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऐसी चीज को? तो ऑप्शन ए प्री स्टाइलिंग, ऑप्शन बी विजार्ड, ऑप्शन सी प्री फॉर्मेटिंग या फिर ऑप्शन डी टेम्पलेटिंग। ठीक है, तो क्या कहलाएगी वो चीज, कौन सी चीज जो कि जिसके पास ऑलरेडी लेआउट्स भी होते हैं, जिसके पास थीम इफेक्ट भी होते हैं ऑलरेडी, बैकग्राउंड स्टाइल भी सेट होता है और इवन कंटेंट भी अवेलेबल होता है हमारी प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो क्या होता है? ऑप्शन डी टेम्पलेट। ठीक है, ऑप्शन डी टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? एक ऐसा फाइल होता है जिसमें कि हमारे पास सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। ठीक है, बस हमें कुछ बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना होता है और वहां से फिर हम अपने जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो हमारी रेडी हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशंस, डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटिक रीजनिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे? डैश गणना, डेटा प्रोसेसिंग और स्वचालित तर्क के लिए एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। यानी कि कौन सी ऐसी चीज, यानी कि डैश, ठीक है, डैश एक ऐसी चीज है जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए या फिर डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी और ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए भी। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर जिसको कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं और ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है? वो है ऑप्शन ए प्रोग्राम या फिर बी फ्लो चार्ट या फिर सी एल्गोरिथम या फिर डी मैथमेटिकल। तो ये क्या होती है? ऑप्शन सी एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम लोग कैलकुलेशन या फिर डेटा प्रोसेसिंग या फिर ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बेसिकली इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि उसमें जो हमारा थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था उसमें बेसिकली इतने क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब हमारा 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। यानी कि डैश डिस्क और ट्रैक, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है। ट्रैक्स एंड सेक्टर के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था जो कि स्टोरेज यूनिट से रिलेटेड है। जो भी वीडियो वो नहीं देखा है तो जाओ उसको देखो। ठीक है, वहां पर आपको ये सारी चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब हम ट्रैक्स और सेक्टर में किसी डिस्क को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ट्रैकिंग, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी अलॉटिंग या फिर ऑप्शन डी क्रैशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिवाइडिंग, ओ सॉरी फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो फिर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग प्लीज वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिए और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद।